डॉक्टर साहब माशाल्लाह हर जगह तैयार रहते हैं आप लोग। आइए सदर बावकार माजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से मैं पेश के सलाम कर देता हूँ, सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इधर वाले तो बहुत चालाक हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि इधर फिर कहीं जाने का इरादा बन रहा है आप लोगों का। जाइए हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ और मशहूर शायर जो इस वक्त पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, जनाबे दिल खैराबादी साहब तशरीफ़ फरमा है, लेकिन आइए उनका भी हुक्म है। और आप लोगों के चेहरे को देख रहा हूँ कि आप लोगों की नज़रें क्या तलाश कर रही है। आइए हमारे मौलाना नुमान सादिक जिस तरह से प्रोग्राम चला रहे हैं चलाएं, लेकिन आइए मुझे हुक्म जो हुआ है नाते पाक के लिए, मैं एक नाते पाक का एक मतला दो तीन शेर आपके हवाले किए देता हूँ। फिर एक आयशा बहन जो अभी सूरत में अपनी जान देकर के कूद गई नदी में, उसके हवाले से सुनेंगे इंशाल्लाह। एक बार हाथ उठा करके बोलिए इंशाल्लाह। लगता है इस महफिल में हमारे रब्बानी साहब नहीं है और हमारे इंजीनियर साहब मिन्हा साहब नहीं है, और इंशाल्लाह हमको लगता है कि आप लोगों को जो है ये चिल्हना वाले आप लोगों को हिला उला देंगे। एक बार चिल्हना वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ मुझे पता है कि इन लोगों के छाती में पावर बहुत है, आप लोगों का टावर रहे आना रहे। आइए एक मरतबा सब कोई दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मद व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालिमिन लक। ऑपरेटर साहब माइक ठीक कर दो थोड़ी सी। हेलो अब यहाँ से एक पैगाम कि हम सब कोई आज से लेकर के मौत की शाम तक हम लोग नमाज नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए इंशाल्लाह। हाँ ये मैं पढ़ता हूँ, ये पड़ोसियों को पहले एक बार ललकार करके बोल दीजिए, वो लोग पड़ोसी लोग बैठ जाए। बोलिए तुम सर मुझसे बोलियो नहीं, एक लोग बार चिल्ला करके बोलिए ना, उन लोग बैठे भाई आप लोग भी बैठ जाइए ना, बैठ करके सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ आइए हमारे भी भाई को एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये फजल हमें खालिक अकबर से मिला है, अकबर से मिला है नहीं देंगे। एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए इंशाल्लाह। नुमान सादिक साहब माइक थाम लीजिए, ये तो हमारे दूसरा अनाउंसर करवट बदल रहे हैं जनाब मौलाना परवेज साहब रशीदी साहब। देखिएगा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब भी हैं और न जाने कितने हमारे मौलाना मेराज साहब, सनवर साहब, हमारे राहिल साहब,
सवीरुद्दीन साहब। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ तारीख के हवाले से। जनाब दिल खैराबादी साहब आपकी दुआ चाहते हुए, जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे। हाथ उठा करके बोले इंशाल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे जालिम के शिकंजे में भी। ओ माशाल्लाह, ये चिल्हना वाला है क्या? लगता है चिल्हना वाला 1000 के बराबर है, ये 50 रुपया नहीं है। आप कहाँ से हैं? हो जिन्होर मुराद, या तो टक्कर चल रहा है भाई आपका, तो गांव में आपको 100 रुपया देना चाहिए। चिल्हना वाले इतने दूर से 50 रुपये, और आप जिन्होर मुरादपुर वाले 50 रुपये, 100 रुपये देना चाहिए। और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, हम कलमा पढ़ेंगे। नारा लगने वाला मिसरा आ रहा है, उमर सादिक साहब तैयार रहना। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे। बोचा गाड़ी से मुस्तकीम साहब माशाल्लाह, जितना मोटा ताजा है आपको तो 200 रुपया देना चाहिए था। और एक बार बोल दीजिए जी, चंदेल माशाल्लाह, देखिए चंदेल वाले। लेकिन ये कल्ठिया वाले कहाँ चले गए रब्बानी साहब? भाई नाम इतना अच्छा है। जालिम के शिकंजे में भी कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। ये मुखिया उम्मीदवार रब्बानी साहब, 200 रुपए से काम चलेगा? हमको तो 500 रुपए देना चाहिए था। और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, हम कलमा पढ़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा मैं पढ़ूंगा भी, लाइन पर आने दीजिए। इस तरह नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। एक बार जो दिल साहब को सुनेंगे तो दिल से नारा लगाइए, नारे तकबीर। हनुमान सादिक साहब खाना खा करके क्या करने के लिए आप आए? मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। नारा देखिए आप जोर से लगाएंगे तो ये लोग भी लगाएंगे नारा। एक बार कड़कदार नारा लगाइए ना। और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, हम कलमा पढ़ेंगे। आप भरपूर हिफाजत करें कि हम लोग जब तक दुनिया में रहेंगे इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। इस्लाम के चाहने वालों एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए इंशाल्लाह। इस्लाम इस्लाम पे मर जाएंगे, मिटने नहीं देंगे। सब कोई बोलिए इंशाल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। दिलदार साहब है ना, वो जेब में रखना चाहते हैं कि जेब से निकालना चाहते हैं आप? जी मैं
लॉकडाउन खत्म कर दिया उसका आपने? ये लॉकडाउन में कहाँ लगाया हुआ देश? एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे। हमारे माइक वाला माइक बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से चिल्हना में बनाए थे यहाँ नहीं बना पा रहे हैं आप। माइक अगर ठीक हो जाएगा तो मैं लगता है कि एक घंटा पढ़ दूंगा। एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। एक बार बोल दीजिए इंशाल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे इतने नहीं देंगे। और अब एक नारा लगने वाला शेर। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हम सबों की माँ है। एक बार अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर जितने भी नबी के चाहने वाले यहाँ बैठे एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर। माँ आयशा भाई। जब अम्मा आयशा का नाम आ गया तो सबको दाएं वाले बाएं वाले आगे वाले पीछे वाले मिल करके नारा लगाना चाहिए। और इस तरह नारा लगाए कि हम सबों की जान है, हम सबों की शान है और हम सबों की माँ है। एक बार अम्मा आयशा के नाम पर नारा।